जे एडवांस 2015 में सरफेस केमिस्ट्री से एक क्वेश्चन आया था। वो ये क्वेश्चन था कि व्हेन O2 इज एड्सॉर्ब ऑन द मेटेलिक सरफेस, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्स अकर फ्रॉम द मेटल टू O2, यानी कि जो मेटल सरफेस से ऑक्सीजन को जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है, क्योंकि मेटल मोर इलेक्ट्रो पॉजिटिव होता है और ऑक्सीजन जो है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। द ट्रू स्टेटमेंट रिगार्डिंग दिस एड्सॉर्प्शन आर, चार ऑप्शन दिए हुए हैं और ये MCQ है, जेई एडवांस में पूछा हुआ है 2015 में, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। पहला ऑप्शन ये दिया हुआ है O2 इज फिजिसॉर्ब, यानी कि ऑक्सीजन का क्या फिजिकल एड्सॉर्प्शन होगा। दूसरा बी ऑप्शन दिया हुआ है कि हीट रिलीज होगी, ऑब्वियस सी बात है कि जब एड्सॉर्प्शन होता है तो हीट रिलीज होती है। और सी ऑप्शन दिया हुआ है कि ऑक्यूपेंसी या पाई स्टार 2p ऑर्बिटल ऑफ O2 इज इंक्रीज, मतलब क्या जो इलेक्ट्रॉन मेटल जो इलेक्ट्रॉन दे रहा है क्या वो ऑक्सीजन के एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में जा रहा है। और डी ऑप्शन में ये दिया हुआ है कि बॉन्ड लेंथ ऑफ द O2 इज इंक्रीजेस, कि जो पहले ऑक्सीजन की जो बॉन्ड लेंथ है क्या वो इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज हो रही है। ठीक है, तो हम देखते हैं, अभी चलिए इसे हम सॉल्व करके देखते हैं कि क्या होता है और कौन कौन से ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा कि पहले सबसे पहले हम मॉलिकुलर ऑर्बिटल थियोरी की बात कर लेते हैं कि ऑक्सीजन का जो मॉलिकुलर ऑर्बिटल थियोरी है, जो ऑक्सीजन का मॉलिकुलर ऑर्बिटल थियोरी वो ये है कि मान लेते हैं ये एटॉमिक ऑर्बिटल एक ऑक्सीजन, दूसरी तरफ दूसरा ऑक्सीजन, ये एटॉमिक ऑर्बिटल है और ये हमारा 2pz सिग्मा 2p सिग्मा बॉन्ड का ऑर्बिटल्स, और ये पाई बॉन्डिंग ऑर्बिटल है जो 2px 2py पाई 2py, और यहाँ पे क्या है पाई स्टार 2px है और पाई स्टार 2py। ठीक, अब क्या है ऑक्सीजन के पास चार इलेक्ट्रॉन होता है तो इधर चार इलेक्ट्रॉन्स और इधर भी चार इलेक्ट्रॉन है तो टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स हुए जो हम फील करेंगे। तो पहले दो सिग्मा में जाएगा, फिर पाई ऑर्बिटल्स में जाएगा और उसके बाद से पाई एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में, यानी कि दो दो चार दो छः, छः तो भर गया, टोटल 8 इलेक्ट्रॉन भरने हैं तो एक इलेक्ट्रॉन्स एक इलेक्ट्रॉन्स। अब क्या है कि हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन है, अब जो दो इलेक्ट्रॉन एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स में, तो अब ये जैसे ही अभी अगर हम क्या कर लेते हैं कि इसका बॉन्ड ऑर्डर निकाल लेते हैं। ठीक है, बॉन्ड ऑर्डर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा कि बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला होता है एक्चुअली बॉन्ड ऑर्डर का कि बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स माइनस एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स। ठीक है, तो ये क्या होगा बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन बाई हाफ हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या किया, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितना है 6 इलेक्ट्रॉन है तो 6, और एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितना है 2 है, तो हम 6 - 2/2 करेंगे तो कितना आएगा 4, यानी कि जो बॉन्ड ऑर्डर की बात करेंगे तो बॉन्ड ऑर्डर क्या हो गया ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच में कितने बॉन्ड होंगे 2 बॉन्ड होंगे। चलिए, यहां तक तो हमें डाटा वैसे भी हमने मॉलिकुलर ऑर्बिटल थियरी से निकाल लिया। अब जैसे ही हमने देखा कि अब क्वेश्चन में ये पूछा गया था कि जब मेटल सरफेस पर ऑक्सीजन आके एड्सॉर्ब होगा तो क्या कर देता है यहां पर कि जो मेटल सरफेस है वो इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करवाता है ऑक्सीजन को, और ये भी इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करवाता है ऑक्सीजन को। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये इलेक्ट्रॉन दे रहा है, मतलब वैसे तो इसका मतलब ये हुआ, ये तो साफ पता चल गया कि ये केमिकल एड्सॉर्प्शन है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का जो जो भी डोनर एक्सेप्टर प्रॉपर्टीज होती है, यानी कि इलेक्ट्रॉन जहां पार्टिसिपेट करता है उसे हम केमिकल रिएक्शन बोलते हैं, यानी कि ये तो फिजिकल एड्सॉर्प्शन नहीं है। जो इसमें एक पहला ऑप्शन ए दिया हुआ है, ए जो पहला ऑप्शन दिया हुआ है कि ये O2 इज फिजिकल एड्सॉर्ब, यानी कि फिजिकल एड्सॉर्प्शन, ये तो हमारा जो स्टेटमेंट है कि वो रॉन्ग स्टेटमेंट है। ठीक है, चलिए अब हम बात कर लेते हैं कि ये जो मेटल सरफेस है वो इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करवाएगा, तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में एक बार देख लेते हैं क्या इसमें जाएगा इलेक्ट्रॉन, नहीं क्योंकि ये फुल्ली फिल्ड है। अब इलेक्ट्रॉन कहाँ जाने वाला है, पाई स्टार 2px में जाएगा या तो पाई स्टार 2py में इलेक्ट्रॉन जाएगा। तो जैसे ही ये मेटल एक इलेक्ट्रॉन देगा तो वो जो इलेक्ट्रॉन है कहाँ जाने वाला है, या तो पाई स्टार 2px या पाई स्टार 2py, दोनों में से किसी एक में जाएगा। ठीक है, तो अब देख लेते हैं कि क्या अब O2 मॉलिक्यूल्स में क्या चेंजेस होगा। तो जैसे ही अब हम देखेंगे तो यहां पर क्या होता है, जब इसका हम बॉन्ड ऑर्डर निकालेंगे आफ्टर एड्सॉर्प्शन, ठीक है, तो अब बॉन्ड ऑर्डर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा कि बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितना है 6, और एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितना हो गया 1, 2, 3 इलेक्ट्रॉन, तो 3। अब क्या हो गया हमारा बॉन्ड ऑर्डर जो है 1.5 हो गया, यानी कि अब जो हमारा मॉलिक्यूल्स है वो कैसा हो गया, डॉटेड बॉन्ड हो गया, यानी कि अब ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड नहीं रहा, ये पार्शियल डबल बॉन्ड हो गया। ठीक है, क्या हो गया पार्शियल डबल बॉन्ड हो गया, क्या हो गया पार्शियल डबल बॉन्ड। तो अब यहां पर जो हमने देखा है कि ये पार्शियल डबल बॉन्ड हो गया। ठीक, अब यहां पर एक चीज और बहुत इंपॉर्टेंट है
कि अब हमारा बॉन्ड ऑर्डर, अगर यहाँ पे एक और भी चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो बॉन्ड ऑर्डर है और बॉन्ड लेंथ का जो रिलेशन है वो यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन है, ठीक है। तो अगर हम इसे थोड़ा सा समझने की कोशिश करें कि हाँ एक्चुअली में क्या हो रहा है, तो यहाँ पर देखेंगे बॉन्ड ऑर्डर जो है, ये जो बॉन्ड ऑर्डर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या है, बॉन्ड लेंथ है, ठीक है। तो पहले इनिशियल में क्या था हमारे पास कि जो बॉन्ड ऑर्डर था, ठीक है, बॉन्ड ऑर्डर जो है बॉन्ड ऑर्डर टू था। तो जब बॉन्ड ऑर्डर टू था तो हमारी बॉन्ड लेंथ मान लेते हैं कि एक्स है, ठीक है। अब आफ्टर एडसॉर्प्शन क्या हो गया कि जो बॉन्ड ऑर्डर था 1.5 हो गया, घट गया, तो यानी कि बॉन्ड ऑर्डर क्या है, यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल बॉन्ड लेंथ है, यानी कि अगर बॉन्ड ऑर्डर बढ़ेगा तो बॉन्ड लेंथ घटेगी। अब यहां पे क्या, बॉन्ड ऑर्डर क्या हो गया, घट गया, तो हमारी बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगी, एक्स प्लस समथिंग, क्योंकि ये थोड़ा सा बढ़ जाएगा, क्योंकि ये तो घट रहा है, इनवर्स रिलेशन है, तो ये बढ़ जाएगा, यानी कि हमारी यहां पे क्या हो रही है, एक्चुअली में बॉन्ड लेंथ इंक्रीज हो रही है, क्या हो रही है, बॉन्ड लेंथ इंक्रीज हो रही है, ठीक है। अब देखिए दूसरा ऑप्शन में क्या था कि इलेक्ट्रॉन हमारा पाई स्टार ऑक्यूपाई मतलब एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में ही जा रहा है, बॉन्ड, और उसके बाद से क्या है, बॉन्ड लेंथ हमारी इंक्रीज भी हो रही है। और अब मान लेते हैं सपोज में जो कुछ एडसॉर्प्शन प्रोसेस में क्या होता है कि एडसॉर्प्शन प्रोसेस में एनर्जी रिलीज होती है, ठीक है, एनर्जी क्या होती है, रिलीज होती है, ये हमें पहले से ही पता है, हमने पढ़ा है, ठीक है। तो अब हम क्वेश्चन पेपर के आंसर चेक कर लेते हैं कि क्या था। तो यहाँ पे देखते हैं कि क्या ये जो दिया हुआ है कि ये फिजिकल एडसॉर्प्शन है, नहीं, क्योंकि ये तो इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट कर रहा, मतलब ये केमिकल एडसॉर्प्शन हुआ, तो ये ऑप्शन तो गलत हो गया। चलिए अब बी ऑप्शन क्या है कि हीट रिलीज करेगा, जब ऑक्सीजन मेटल सरफेस पे एड्सॉर्ब होगा तो ऑब्वियस सी बात है कि एड्सॉर्प्शन प्रोसेस में हीट रिलीज होती है, जिसे हीट ऑफ एड्सॉर्प्शन बोलते हैं, यानी कि बी ऑप्शन सही हो गया। अब सी वाले ऑप्शन में देख लेते हैं कि क्या सी ऑप्शन सही है। तो सी ऑप्शन में क्या होता है कि जैसे ही मेटल सर्फेस पर इलेक्ट्रॉन आता है, एक्चुअली सॉरी, अब मेटल सर्फेस और ऑक्सीजन आता है, तो मेटल सर्फेस क्या करता है, इलेक्ट्रॉन्स दे देता है, और वो जो इलेक्ट्रॉन देता है वो कहाँ देता है, तो हमारे इस पाई स्टार ऑर्बिटल में जाता है, यानी कि पाई स्टार 2px या 2py, यानी कि यहां पर भी देखिए पाई स्टार 2p ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन जा रहा है ऑक्सीजन के ऑर्बिटल में, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में, यानी कि ये भी ऑप्शन सही हो गया। डी ऑप्शन क्या है कि जब हम डी ऑप्शन में देख रहे थे कि बॉन्ड लेंथ ऑफ O2 इंक्रीज, अब शुरू में हमने क्या देखा, यहां पे देख सकते हैं साफ साफ लिखा हुआ है कि यहां पर अगर हम देखने की कोशिश करें कि ये जो बॉन्ड लेंथ की बात कर रहा है कि बॉन्ड लेंथ क्या इंक्रीज हो रही है, तो शुरू में क्या था, बॉन्ड ऑर्डर टू था तो हमारी बॉन्ड लेंथ एक्स थी, अब बॉन्ड ऑर्डर घट गया तो बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगा, तो ये एक्स प्लस समथिंग, यानी कि बॉन्ड लेंथ भी हमारी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, तो इसलिए डी ऑप्शन भी हमारा क्या हो गया, सही हो गया। तो एक जेई एडवांस में बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा हुआ था जिसका आंसर था BCD, करेक्ट आंसर था। थैंक यू फॉर वॉचिंग।